और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की FIA में तलबी। कासिम खान सूरी ने तलबी के नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत FIA और दीगर को फरीक भी बनाया गया है। अदालत से FIA के नोटिस को कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की FIA में तलबी और कासिम खान सूरी ने तलबी के नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत FIA और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। अदालत से FIA के नोटिस को कलअदम करार देने की भी इस्तदा। मोहम्मद इशफाक से जानते हैं कि मजीद क्या तफसीलात हैं। इशफाक बताइएगा। अशफाक से रब्ता बहाल करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। कासिम खान सूरी ने तलबी के नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। मोहम्मद अशफाक से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में FIA के नोटिस को चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि FIA ने गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर उनको नोटिस जारी किया है, लिहाजा अदालत इस नोटिस को कलअदम करार दे। जी जी ठीक है, इशफाक आपका शुक्रिया।